Okay, now coming to the question. In a classroom, four friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. ये क्लासरूम है, ठीक है, जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया गया है. वहां पे चार दोस्त ए बी सी डी जिस तरीके से फिगर में दिखाए गए उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं. चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. चंपा और चमेली दो लड़कियां हैं, जब वो क्लास के अंदर आती हैं तो ए बी सी और डी के सिटिंग पोजिशन को देख करके चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुम्हें देख करके नहीं लगता है कि क्या ए बी सी डी ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं. चमेली डिसएग्री कर जाती है. वो बोलती है ना, मुझे नहीं लगता है. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमें पता करना है फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, क्या चंपा सही है या चमेली सही है. तो जाहिर सी बात है, अगर चंपा कह रही है कि ये ए बी सी डी जिस पोजिशन में बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे. वो कोऑर्डिनेट्स निकाल के हमें डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस निकालना होगा. फर्दर अगर ये स्क्वायर है तो डायगनल ए सी और डायगनल बी डी भी हमें मालूम करना होगा. जब अगर सब साइड्स इक्वल्स आ जाएंगे, डिस्टेंस इक्वल आएंगे सभी साइड्स के, ठीक है, सभी पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि चंपा सही है, यानी ए बी सी डी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है ए बी सी एंड डी क्या. तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस और करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस को, तो ए का कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, ठीक. तो इसको हम लोग असाइन कर देते हैं सपोज एक्स वन वाई वन से. उसी तरह बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 6, 7. बी का हो जाएगा 6, 7, इसको हमने असाइन कर दिया x2, y2 से. उसी तरह सी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 9, 4. तो सी का कोऑर्डिनेट्स हो गया 9, 4, इसको हम असाइन करते हैं x3, y3 से. सिमिलरली डी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 6, 1, इसको हम असाइन कर देते हैं x4, y4 से. अब करस्पॉन्डिंगली हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे सभी पॉइंट्स के बीच का. पहले हम लोग निकालेंगे ए बी का, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब x1, x2, y1, y2 के हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x1 की वैल्यू क्या है, 3, माइनस x2 यानी 6 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 4 माइनस y2 की वैल्यू है 7 होल स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3 - 6 यानी -3, -3 होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका -3 होल स्क्वायर 9. तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, 3√2 ए बी का. अब इसी तरह हम बी सी यानी बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेम वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें. ओके, सेम इसमें भी हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है. तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर. तो इसको भी अगर आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3√2, ठीक है. 6 - 9 यानी -3 होल स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 यानी 3 होल स्क्वायर 9. तो √9 + 9 यानी √18 वो आ जाएगा आपका 3√2. उसी तरह आप सी डी का अगर निकाल लें हम लोग, तो सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, √CD यानी 9 - 6 होल स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट का हो जाएगा प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट का. तो 9 - 6 अगेन 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 4 - 1 3 होल स्क्वायर 9. फिर से √18 आएगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा क्या, 3√2. इसी तरह अब AD यानी A और D के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो AD के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, √AD यानी 3 - 6 होल स्क्वायर, ठीक है,
ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का, अब उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स का लिख लेंगे, प्लस 4-1 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 3-6, फिर से -3 होल स्क्वायर 9, प्लस 4-1 3, अगेन 3 स्क्वायर 9, तो रूट ओवर 9+9 आ जाएगा फिर से 18, यानी 3√2। तो जो हमने चारों साइड्स का डिस्टेंस निकाला ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चारों साइड का डिस्टेंस हम क्या देख रहे हैं, इक्वल आ रहा है 3√2 हर एक के केस में। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डायगनल AC और डायगनल BD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम यही डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डायगनल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एंड C, मतलब 3-9 होल स्क्वायर प्लस 4-4 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3-9 मतलब -6 होल स्क्वायर 36, 4-4 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो रहेगा, तो रूट ओवर 36 कितना हो जाएगा 6। उसी तरह सिमिलरली हम लोग मालूम करेंगे डायगनल BD, ठीक है, AC मालूम हो गया, अब BD का मालूम करेंगे, तो डायगनल BD के बीच का डिस्टेंस मालूम करेंगे कितना होगा, 6-6 होल स्क्वायर प्लस 7-1 होल स्क्वायर। तो यहां पर भी अगर आप देखो 6-6 जीरो, कोई वैल्यू नहीं होगा, प्लस 7-1 यानी 6 होल स्क्वायर 36, रूट ओवर 36 इज नथिंग बट 6। तो यहां से हमें क्या मिला कि जितना डिस्टेंस था ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सब इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये पूरे डिस्टेंस इक्वल हो गए, इंक्लूडिंग जो डायगनल था हमारा ए सी और BD, ये दोनों डायगनल के भी अगर आप वैल्यूज देखोगे तो क्या आया 6-6, यानी डायगनल AC इक्वल्स टू डायगनल BD। तो जब चारों साइड्स के डिस्टेंस जो हमने निकाले वो इक्वल आया, डायगनल AC और डायगनल BD का भी वैल्यू इक्वल आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सभी साइड्स इसके इक्वल होते हैं, इवन डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगनल्स का भी डिस्टेंस इक्वल होता है, डायमेंशंस इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा सभी साइड्स अगर आप देखोगे AB, BC, CD या AD, ये चारों साइड्स के जो डायमेंशंस आए हमें डिस्टेंस मिले वो इक्वल मिले। उसी तरह डायगनल AC एंड डायगनल BD उनकी भी वैल्यू हमें सेम मिली, यानी 6। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब सभी साइड्स किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का अगर इक्वल होता है, इवन डायगनल भी इक्वल होता है, तब हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो उस क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चंपा ने चमेली से जो कहा था कि तुम्हें लगता नहीं है ABCD एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, चमेली ने यहाँ पे मना कर दिया था, उसने कहा था नहीं मुझे नहीं लगता है, उसने डिसएग्री किया था। लेकिन जब हमने डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया ABCD इन चारों के बीच का डिस्टेंस, तो हम देख रहे हैं चारों का डिस्टेंस सेम आ रहा है, ठीक है, डायमेंशन सेम आ रहे हैं, इवन डायगनल जो था AC और BD ये भी हमें सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चंपा ने जो अजम्पशन किया था, चंपा ने जो एक्सपेक्ट किया था कि ABC और D ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कंक्लूजन उसका सही हो गया, यानी चंपा वॉज राइट।